हेलो फ्रेंड्स, गोवन फूड डायरीज में आपका स्वागत है। मैंने ताजे बांगड़े लिए हैं। 10 मिनट के लिए इन्हें पानी में रखना चाहिए ताकि इनके स्केल्स आसानी से निकल सकते हैं। पहले हम इनके फिन्स निकालेंगे। ये एक फिन है, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला फिन है और ये पांचवा वाला। तो ये इनके गिल्स होते हैं, इनकी पूंछ। आप देख सकते हैं ये फट नहीं रहा है, इसका मतलब है ये फ्रेश बांगड़ा है। तभी से हम रब करेंगे ताकि इसके जो स्केल्स होते हैं वो निकल जाएंगे। अच्छी तरह से रब करना है। अगर आपके पास सीजर है, फिश सीजर, तो आप उसी से भी बांगड़ा इसी तरह से साफ कर सकते हैं। अभी हम फिन्स निकालेंगे। फिन्स अभी मैंने निकाल लिए हैं, तो अभी इसे हम काट लेंगे। जो गिल्स होते हैं उससे थोड़ा ऊपर से हमें इसका गला काट लेना है। आप देख सकते हैं अभी ये जो ओपन रहता है वो भी निकालना है हमें। अभी जो अंदर का जो वेस्ट है वो हमें निकालना है। अंदर का जो पूरा ये वेस्ट होता है वो हमें बाहर नहीं फेंकना है। इसमें आप देख सकते हैं येलो येलो कुछ है, वो फिश का एग्स रहते हैं, वो हम खाते हैं, तो इसे अलग करना है। तो इसे हम अभी साफ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसमें जो कुछ रहता है वो निकाल लेना है। इसे पानी में डालना है। अभी फिर से चेक करेंगे अंदर कुछ है तो और निकालेंगे। अभी ये साफ हो चुका है, तो मैं इसे अभी कट्स डालूंगी। कट्स हम इसलिए डाल रहे हैं, जब हम इसमें मसाला डालेंगे वो अच्छी तरह से अंदर तक जाएगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो अभी हम इसकी पूंछ काट रहे हैं। आपको पूंछ रखनी है तो आप रख सकते हैं। अब ये हो चुका है तो हम इसे अभी पानी में डाल रहे हैं। अभी हम दूसरा लेंगे। दूसरा बांगड़ा भी हम इसी तरह से साफ करेंगे। इनके फिन्स जो होते हैं उसे काट लेंगे। गोवा में हम बांगड़ा को बांगड़े नाम से जाना जाता है। गोवा में बांगड़ा के बहुत सारे डिशेस बनाए जाते हैं, जैसे कि बांगड़ा की उड्डा मेथी, बांगड़ा की कढ़ी, फिर बाद में बांगड़ा का रवा फ्राई, बांगड़ा को हम रेशाड़ो मसाला लगाते हैं। ये रेशाड़ो मसाला गोवा का फेमस मसाला है। बांगड़ा और रेशाड़ो मसाला का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर बाद में हम बांगड़ा का बाल चाव बनाते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इनकी रेसिपीज़ मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको दिखाने वाली हूँ। इसको अभी हम अंदर से अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसे अच्छी तरह से बाहर से खींच लेना है। अभी आप देख सकते हैं ये जो इनके एग्स होते हैं वो हमने निकाल लिए हैं, तो उसमें जो वेस्ट रहता है वो भी निकाल लिया है। अभी ये देखिए, तो अभी ये क्लीन हो चुका है तो हम पानी में डालेंगे। अभी ये जो बांगड़ा है उसे अच्छी तरह से फिर से
साफ करेंगे अंदर तक। हम उंगली डाल के वो सब कुछ निकाल देंगे और उस पे कट्स डालेंगे। दोस्तों कट्स डालना स्किप ना करें, नहीं तो अंदर तक मसाला नहीं जाएगा। अब ये क्लीन कर लिया है हमने, अभी मैंने बाकी सारे क्लीन कर लिए हैं। एक बांगड़ा था उसे मैंने चार हिस्सों में काट लिया है। तो अभी हम क्लीन कर रहे हैं तो अंदर तक हम अपना उंगली डालेंगे और जो भी कुछ है बचा हुआ वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अंदर से ये साफ हो चुका है। अभी दूसरा वाला साफ करेंगे। इसे अभी साफ कर लिया है। अभी ये एक बांगड़ा था उसके मैंने पीसेस बनाए थे तो वो भी हम साफ करेंगे। ये जो ब्लैक ब्लैक रहता है वो निकालना है हमें। ये देखिए ब्लैक रेडिश, अब ये साफ हो चुका है। अभी ये जो एग्स थे हमें निकाले हुए वो भी साफ करेंगे। अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अभी इसे दो बार धोना है। दो बार धोने के बाद इसका जो पानी रहता है वो निकालना है हमें। अभी मैं सेपरेट कर रही हूँ, ये जो मैंने पीसेस बनाए थे वो करीम ही जाएंगे और ये पूरे के पूरे जो बांगड़ा है वो हम फ्राई करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।